दोस्ती हो तो कृष्ण सुदामा जैसी। कृष्ण सुदामा की संपूर्ण कहानी आइए सुनते हैं। बचपन में श्री कृष्ण और बलराम संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम में भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे, परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगता है। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहता है, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है, सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहता है, चने कहाँ हैं, वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओहो यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना, जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे, ले लो आप जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहता है, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित न करो मित्र। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र जब भी तुम संकट में खुद को पाएं तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षामदेही कहते हैं तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था इसलिए विलंब हो गया, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज़ तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो, आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खा लोगे, देखो मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है, वह कहता है, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं? वह महिला कहती है, हाँ आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खा लो, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने वाला ही होता है कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितनी दे वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास
चार पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास जाकर पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढक देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो हैं, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे। यह सुनकर सुदामा कहता है, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा, रोज़ हम तीन रोटी लेकर जाते हैं तो आज भी तीन रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को न बता दिया तो। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो तुम नहीं कहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो फिर सारे मालपुए खा लूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ खा लो। फिर सुदामा खा लेता है तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम असमावतीपुर वर्तमान पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं, वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुँच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर कहा, आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, फटेहाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु शुद्ध बुद्ध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आँखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आँखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समिधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्रों एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा। सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूँ,
यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदूल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता, मैं भी उनसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीन करने के हेतु तंदूल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर सैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भर पेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।